नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क जिहड़ा है इंटरकनेक्टेड हुंदा है बहुत सारे डिवाइसेस हो सकदी है रूटर्स हो सकदे मॉडम्स हो सकदे जो एक दूसरे दे नाल कनेक्टेड हो जांदियां है तो उस तो बाद आपां कोई भी फाइल जिहड़ी आ कोई किसी भी तरह का रिसोर्सिस हो सकता है कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो सकती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी तरह की आपां जिहड़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आपां सेंड करना चाहते हैं वह सेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क नेटवर्क जिहड़ा कि इंटरकनेक्टेड हुंदा इंटरकनेक्टेड क्यों आ क्योंकि जो अपने को एक डिवाइस होंगी है डिवाइस और दूसरी डिवाइस इन्होंने बिच जी है एक डिवाइस होर लगती है जिड़ा कि इन दोनों डिवाइस में इंटरकनैक्ट करती है तो ही अपनी जी फाइल्स आ वो सेंड होंगी है तो आप कम्यूनीकेट भी कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द नैटवर्क नैक्सट आप देखते हैं कंप्यूटर नैटवर्क की होंगे आ सो हुण कंप्यूटर नैटवर्क की होंगे है कंप्यूटर नैटवर्क होंगे है जो टू और मोर डिवाइस कनैक्टड होंगे बाय यूजिंग केबल और वायरलैस मतलब कि वायर केबल भी हो सकती है या फिर वायरलैस टैक्नोलॉजी हो सकती है जिड़ी कि अपने सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए यूज की जाती है मतलब जो दो तो ज़्यादा कंप्यूटर जो एक दूसरे के नाल कनैक्टड हो जाते इट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर नैटवर्क जिहड़ा कि एक दूसरे के नाल कनैक्टड हो जाता मीनस कि सपोज आ मेरे को एक पीसी है कितने पीसी है किधर है सपोज किन्ने सारे कंप्यूटर है जिहड़े कि यह इंटरकनैक्टड हो रहे हैं किन्हां दे थ्रू इत्थे जिहड़ी है जां तां फिर इत्थे वायरलैस टैक्नोलॉजी यूज की गई हुई है जां फिर वायर केबल जिहड़ी यूज की गई है जिहदे नाल कि यह सारे एक दूसरे दे नाल कनैक्टड हुए आ ते उस तों बाद जिहड़ी यह टैक्नोलॉजी आ आपां नूं जिहड़ी प्रोवाइड कर दिंदी आ जिहड़ा कि रिजल्ट प्रोवाइड करदी है कि आपां सेंड कर सकदे हां रिसीव कर सकदे हां कोई भी किसी तरह की भी फाइल हो सकदी आडियो फाइल वीडियो फाइल किसी भी तरह की इनफॉर्मेशन आ जो आपां सेंड कर सकते हैं सो वो होंगे है अपना कंप्यूटर नैटवर्क्स सो ये आप देख लेंगे कि किस तरह दी फाइल्स नू सेंड कर सकता है कंप्यूटर नैटवर्क के थ्रू आप जिहड़ा है हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं नाल ही सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं हार्डवेयर शेयरिंग के अपने को केड़े-केड़े हो सकते हैं सपोज अपनी को प्रिंटर की आप कोई भी फाइल जी वो जी शेयर कर सकते हैं स्कैनर की कोई फाइल जी आप शेयर कर सकते हैं मतलब कि हार्डवेयर शेयरिंग ये हो जाती है उस तो बाद सीडी रोम वगैरह जी आप शेयरिंग कर सकते हैं हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं ये सारी एग्जाम्पल्स ने जिड़े आप नैटवर्क कंप्यूटर नैटवर्क के थ्रू जी शेयरिंग कर सकते शेयर कर सकते हैं फाइल्स में सो इस तरह अपने को सॉफ्टवेयर शेयरिंग के एग्जाम्पल्स आ जाती है कुछ जिस तरह कि अपने को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिहड़े अपने को आप जो शेयर कर सकते हैं कोई फाइल हो सकती है किसी भी तरह की इनफॉर्मेशन हो सकती है जिड़ी कि आप शेयर कर सकते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर शेयरिंग मतलब कि यह हो गया अपने को हार्डवेयर शेयरिंग एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग सो ये दो तरह की शेयरिंग जी आप कंप्यूटर नैटवर्क के थ्रू जी कर सकते हैं सो जो आप कंप्यूटर नैटवर्क के उत्ते काम करते हैं तो यह कुछ क्राइटेरिया फॉलो करता है क्योंकि किसी क्राइटेरिया फॉलो करते होना जरूरी है क्योंकि ता ही आप जो सिक्योरली मैसेज जो सेंड कर सकते हैं सो देखते हैं ये फर्स्ट है परफॉर्मेंस कि क्राइटेरिया फॉलो करता मतलब परफॉर्मेंस सैकेंड है रिलायबिलिटी थर्ड है सिक्योरिटी ये तीन क्राइटेरिया फॉलो करके जोड़ा है अपना कंप्यूटर नैटवर्क बनता है सो ये अगर परफॉर्मेंस की गल करिए परफॉर्मेंस के अंडर जोड़ा है ट्रांजिस्ट टाइम आता रिस्पोंस टाइम आता एंड थ्रूपुट आती है सो ये देखते हैं ट्रांजिस्ट टाइम की होंगे ट्रांजिस्ट टाइम वो होंगे है जो आप कोई मैसेज सेंड कर दें सपोज आप कोई मैसेज सेंड कर दिता है जो वो मैसेज जोड़ा है ट्रैवल कर रहा मतलब कि सेंडर टू रिसीवर जा रहा है मतलब कि इतों जोड़ा है सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिता है और इतने रास्ते में जोड़ा वह टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिस्ट टाइम भी मतलब कि उन्होंने ट्रैवल करने कि टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिस्ट टाइम मतलब कि सोर्स टू डेस्टिनेशन से अपना हो गया सोर्स जितों मैसेज किया आया ये हो गई अपनी डेस्टिनेशन कि अपना जोड़ा टाइम कि लग रहा है ये पिछला जोड़ा बिटवीन टाइम है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिस्ट टाइम सो नैक्सट है अपने को रिस्पोंस टाइम की आ हम देखो इतों मैसेज जोड़ा है वो इधर जा रहा है ठीक है इतने एंड हो गया मतलब कि इतने मैसेज पहुँचा ठीक है एंड उस तो बाद एंड तो आप देखने एंड ऑफ क्यूरी तो देखना है आप इतने बिगनिंग मतलब कि इतने जी अपनी मैसेज आ बिगनिंग मतलब कि ये पिछला रिस्पोंस टाइम की आ मतलब कि ये आप जो मैसेज दसेगा कि अपना मैसेज जोड़ा है वो इतने तक डिलीवर हो चुका है
दैट इज कॉल्ड द रिस्पोंस टाइम कि मैसेज होने नु रिस्पोंस करने नु कितना टाइम लग रहा है सो दैट इज कॉल्ड द रिस्पोंस टाइम नेक्स्ट है अपने को थ्रूपुट थ्रूपुट की हुंदा है जिद्दा कि आपा कोई मैसेज सेंड कर दिया मैसेज सेंड कर देता तो उस मैसेज नु सेंड करने दे लिए कितना जेड़ा है आपा नु डेटा यूज करना पया है मतलब कि कितना परसेंट जेड़े पैकेट्स आ वो सेंड हो चुके मतलब कि सेंड टू रिसीवर तक जेड़े सेंड कीते आपा कोई पैकेट पैकेट दे रूप जी कोई अपनी फाइल मैसेज जा कुछ भी आ जो उनु आपा जेड़ा है कंप्यूटर नेटवर्क दी लैंग्वेज विच आपा पैकेट यूज करदे हां उस वर्ड नु कि पैकेट जेड़े आपा सेंड कीते आ उस पैकेट नु सेंड करने दे लिए कितना जेड़ा है अपने को ये मेजर करता है कि कितना जेड़ा टाइम डेटा यूज होया है दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट मतलब कि जिद्दा कि तुसी अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज करदे आ तां उहदे विच थानू आ जांदा कि तुसी इन्ने परसेंट जेड़ा आ इन्ने मतलब कि थोड़े जेड़ा जांदा है बिट्स पर सेकंड दे विच आउंदा है बिट्स पर सेकंड दे विच जेड़ा है ये सॉल्व हुंदा है जां फिर यही हुंदा है डेटा पर सेकंड दे विच है ना ते ये अपन नूं पता लग जांदा है कि किस तरह जेड़ा अपना मैसेज आ उह किन्ने मतलब कि किन्नी एमबी यूज हो चुकी किन्ने टाइम दे विच यूज हो चुकी आ दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट जेड़ा कि मेजर करदा है अपने डेटा नूं सो नेक्स्ट हैगा अपने को रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी की हुंदा है कि जदो अपने कोई सिस्टम दे विच आपा कोई फाइल सेंड कर रहे हैं सिस्टम दे विच अगर कोई फेलियर अकर हो जांदा है देन वो फेलियर क्यों अकर होया ते उस तो बाद उस फेलियर नु सॉल्व करन दे लिए रीसॉल्व करन दे लिए कितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी की मतलब फेलियर अकर क्यों होया ते उस नु रीसॉल्व करन लिए कितना टाइम लग रहा दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी नेक्स्ट हैगा अपने को सिक्योरिटी सिक्योरिटी मींस जदो आपा कोई डेटा अपना सेंड कर दिया जदो आपा डेटा अपना सेंड कर दिता उस तो बाद वो रास्ते दे विच किते भी डैमेज हो सकदा कोई नॉइस क्रिएट हो सकदी कोई हैकिंग हो सकदी आ दैट उस टाइम दे ते कोई डेटा अपना जदो डैमेज हो जांदा आ जां फिर कोई अनऑथराइज पर्सन नु जेड़ा वो डेटा अपना मिल जांदा आपा सेंड कीता सीगा इस डिवाइस नु बट रास्ते दे विच कोई हैकिंग आ गई तां वो जेड़ा डेटा किते होर चले गया जी तां वो की हो गया अनऑथराइज पर्सन मतलब कि जिनु नहीं सेंड कीता उसदे कोल डेटा चले गया सो उस चीज ए चीज ना क्रिएट होवे उहदे लिए आपां लगाउंदे आ इहदे विच क्राइटेरिया फॉलो करदे आ सिक्योरिटी तां कि अपना डेटा जेड़ा जिथे सेंड कीता उत्थे पहुंचे ना कि किते होर पर्सन नु पहुंचे सो ए हुंदी अपनी सिक्योरिटी जेड़ी कंप्यूटर नेटवर्क्स दे विच आपां यूज करदे आ कि जिस नु डेटा आपां जो मैसेज जिस नु सेंड कीता उस नु ही पहुंचे सो ए हुंदी अपनी सिक्योरिटी सो ए जेड़ी फॉलो करके जेड़ा अपना कंप्यूटर नेटवर्क यूज हुंदा आ सो ए सीगा अज दा अपना टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक दे विच आपां देखांगे इहदीआं किहड़ीआं-किहड़ीआं टाइप्स हो सकदीआं ने सो मिलदे आ अगली वीडियो दे विच सो चैनल नूं सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना थैंक यू सो मच